मौत का कुआं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मौत के कुएं को तो देखा ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मेला जाया करते होंगे या जाने के लिए सोचते भी होंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, आप कभी मेला में जाते हो एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा घट जाता है तो क्या होगा? ऐसा ही होता है आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। आज से 30 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव, बहुत ही ज्यादा छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में मुश्किल से 20-25 घर होंगे, उससे ज्यादा तो एक भी नहीं होंगे। और अभी भी वो गांव छोटा ही है, लेकिन इतना ज्यादा छोटा नहीं है। इसीलिए मैं उस गांव का नाम लेके मैं बिल्कुल भी बदनाम नहीं करना चाहती। आज से 30 साल पहले की बात है, उस गांव में लोग, हर एक इंसान बहुत ही खुश रहा करता था। हर साल उनके गाँव में मेला लगता था, तो लोग मेला भी घूमने जाया करते थे और वहाँ पे मोस्टली लोग खेती बाड़ी करते थे, उससे ही खाते पीते थे, वैसे ही खुश रहा करते थे। जो उस गाँव के लोगों का भाईचारा था ना, जो उस गाँव के लोग रहते थे ना, वो बहुत ही खुशी से बहुत अच्छे से रहते थे। हर एक इंसान के सुख दुख में हर एक इंसान भागीदार रहता था, ऐसा था। तो होता क्या है, एक साल की ऐसी ही बात है, 30 साल पहले की, उस गांव में वापस से मेला लगने वाला था और सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे गांव में इस साल भी मेला लगने वाला है और हम लोग इस साल बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। वैसे तो हर साल ही किया करते थे, लेकिन इस साल, सिर्फ इस साल, उनके गाँव में मौत का कुआं भी आने वाला था। मौत का कुआं की मतलब जैसा होता है ना कि बहुत बड़ा कुएं जैसे बना के रखते हैं और उसमें बाइक से ऐसे बहुत स्पीड में चलती है, कुएं के अंदर ही, उसके ऊपर पर चलती है और बहुत सारी कार्स भी चलती है, वैसा टाइप का होता है। जो नहीं जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा, मैं उनको बता रही हूँ। वैसे तो मोस्ट लोगों ने देखा ही होगा, आजकल चलता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन उस गांव में ऐसा आने वाला था, मौत का कुआं। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, सब लोग सोचते हैं कि हम तो इस बार जरूर जाएंगे, इस बार मेरा तो कैसे पैसे इकट्ठा करेंगे और मौत के कुएं का टिकट लेंगे और वो देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि हमको हर साल दूसरे गाँव में जाना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन इस साल तो अपने गाँव में ही आ रहा है, तो टेंशन क्या है। ऐसा ही होता है और ऐसे ही ना उस गांव में मेला लगने का सब कुछ काम चालू हो जाता है। जितने भी झूले थे वो लगते हैं, जो भी मिठाई बनाने वाले लोग थे वो अपना अपना दुकान लगाते हैं, मौत के कुएं का जो भी वहां पर डेकोरेशन होता है वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद मेला लगने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले जो मौत के कुएं का जो मालिक था, जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, वो अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौत के कुएं का टिकट ले लो, वरना आज नहीं लोगे तो कल पछताओगे, इतने इतने में है, ऐसा ऐसा करके लोगों को अनाउंसमेंट करके बुलाते हैं। तो लोग फटाफट जाते हैं, फटाफट टिकट ले लेते हैं, सोचते कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, हमको तो देखना ही है, मौत का कुआं देखना किसको पसंद नहीं है। सब लोग फटाफट भागते हुए जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, जिनके पास पैसा था उतना वो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता था उसका टिकट, और बाकी लोग अपना देखते हैं कि सब कुछ डेकोरेशन हो गया, कल तो हम लोग आने ही वाले हैं मेला देखने के लिए। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वो जो जहाँ पे मेला लगा था ना, वो एक मैदान टाइप का एरिया था, वहां पे मेला लगाए थे, और बाकी बहुत मैदान के पास में 2-3 लोगों का घर भी था, और कुछ लोगों का घर थोड़ा दूर पे है, कुछ लोगों का घर और थोड़े दूर पे है, ऐसा ऐसा करके था। उस गांव में 20-25 घर थे, उससे ज्यादा तो एक भी नहीं होंगे, इतना छोटा गाँव था वो, तो इसीलिए लोगों का घर वैसे थोड़ा दूर दूर पे था। होता क्या है कि मेला लगने के ठीक एक रात पहले एक फैमिली थी, उस फैमिली में एक आदमी का नाम रामू था, उनकी वाइफ का नाम गीता था और उनकी एक छोटी सी 8-10 साल की बच्ची थी जिसका नाम कविता था। ये फैमिली एकदम जस्ट मौत का जो कुआं था ना, जो मेला लगा हुआ था, उससे जस्ट मतलब थोड़े ही दूर पे, कुछ कदम आगे ही उनका घर होगा। वो लोग अपने घर पे मस्त आराम से सोए हुए थे। रात के तकरीबन 1 बजे के करीब वो जो मेला था वहां से कुछ अजीब गरीब आवाज आने स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मौत के कुएं में कोई बहुत जोर जोर से बाइक दौड़ा रहा है, उसकी पड़ जो आवाज होती है वो पूरा आ रही है, ऐसी वाली आवाज आने लगती है। और जब ऐसी आवाज आती है तो जो कविता थी, जो उनकी बेटी, उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो अपने मम्मी को, पापा को, दोनों को उठाती है, बोलती है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, उठो उठो, वो देखो मौत के कुआं में मेला लग गया और मौत के कुआं में कोई बाइक चला रहा है, देखो आवाज आ रही है। तो उसके पापा ऐसे आंख मलते हुए उठते हैं, बोलते हैं, रामू जी कि क्या बेटा, आधी रात में कौन मेला लगा रहा है, और मेला तो कल शाम को लगने वाला है, तो आज मौत के कुआं में कौन बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। तो वापस से कविता बोलती है, मम्मी मम्मी देखो, आपको आवाज आ रही है ना, मौत के कुएं में कोई तो मोटरसाइकिल चला रहा है।
मम्मी बोलती है हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन क्या यार इतने रात में क्यों डिस्टर्ब कर रही है, सोने दे, सुबह सुबह खेत में काम भी है और सुबह सुबह जाना है बाहर, उसके शाम को मेला लगने वाला है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कोई नहीं होगा, तेरा वहम है या चला भी रहा हो कोई बाहर चला रहा होगा, मौत के कुएं में थोड़ी चला रहा होगा, तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा सब बोलते हैं उसे घर वाले कविता को। तो कविता का बिल्कुल मन नहीं लगता, उसको लगता है कि क्यों ना जाए हम लोग अभी देखने के लिए, फिर से बोलती है, फिर से उठाती है मेरे मम्मी पापा को, बोलती है अरे मम्मी अरे पापा उठ जाओ देखो ना, चलो हमने भी टिकट लिया है ना, चलो ना मौत के कुएं में देखने के लिए, देखो मोटरसाइकिल चला रहा है कोई। तो माँ बाप उसको डांटते हैं और डांट के सुला देते हैं। उस रात पूरी रात मतलब वही मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है जैसे कि मौत के कुएं में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, और रात के 3:30 बजे करीब किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की भी आवाज आ रही थी। जो गीता जी थी उनकी और जो रामू थे उनके, दोनों की आंख खुलती है, उनको आवाज आती है, लेकिन वो लोग इतना माइंड ना करते हुए वापस से सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना था 5 बजे करीब, और उनको अपने खेत में जाना था काम करने के लिए, उनके खेत में कुछ कटाई वाला काम था। सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद पूरे दिन इनके फैमिली वाले जो रामू जी थे वो, जो गीता जी थी वो पूरा खेत में काम वाम करते हैं, वो लोग अपने घर पे आते हैं, मस्त नहाते धोते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और जो कविता थी वो भी नए नए कपड़े पहनती है, और सब गांव वाले अपने अपने घर से निकल के खुशी खुशी मेला में चले जाते हैं। मेला में जाने के बाद कोई झूले पे झूला झूल रहा है, जो बड़ा वाला झूला है उस पे कोई जलेबियां खा रहा है, कोई गोलगप्पे खा रहा है, तो कोई मौत के कुएं के पास खड़े होके जिन्होंने टिकट लिए थे वो अपना जो मौत का कुआं में जो खेल चल रहा है वो देख रहा है। सबको जो मेला का माहौल था ना वो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था, वहां पे सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, सब लोग खिलखिलाते हुए हंसते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं। तभी अचानक से वहां पे कुछ चिल्लाहट मच जाती है, जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाने लगा, कोई इधर उधर भागने लगा, भगदड़ मच जाती है, वैसा टाइप का होता है। सब लोग बात बात करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो जो लोग थे सब लोग मौत के कुएं के पास भाग के जाने लगते हैं। जो ये कविता थी और उसकी फैमिली, रामू जी और गीता जी, ये तीनों जाते हैं वहां पे देखने के लिए, तो क्या पाते हैं कि वहां पे मौत के कुएं के अंदर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है। छोटी सी बच्ची बहुत ही जोर जोर से रो रही है, और उसके बाद ये लोग देख ही रहे कि छोटी सी बच्ची रो रही है, तभी अचानक से एक औरत पता नहीं कहां से कुएं के अंदर एंटर करती है और वो भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों इतने जोर जोर से रोने लगते हैं कि पूरा जो लोग थे परेशान जाते हैं, चिल्लाने लगता है निकालो उनको निकालो मर जाएंगे वो लोग, कुछ भी हुआ तो बाइक मोटरसाइकिल उनके ऊपर गिर जाएगी, निकालो उनको। तभी अचानक से वो जो औरत थी वो और वो बच्ची दोनों मौत के कुएं से ऊपर उड़ के बाहर निकल जाते हैं, और जो बाहर निकलते हैं उनकी जो शक्ल देखते हैं ना लोग, तो देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। ये शाम के 8 बजे का टाइम था, दोनों जो लड़की थी वो छोटी बच्ची वो और उसकी माँ के आंख से आंसू की जगह खून निकल रहा है, और उनकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। सब लोग भागने लगे, सोच रहे क्या हो गया, ये क्या है, क्या कौन है ये लोग, अभी भाग रहे। तभी अचानक से कुछ लोगों ने नोटिस किया, जो बाइक वाला है जो मोटरसाइकिल चला रहा है मौत के कुआं में, उसका ना उसके जो यहाँ माथा है वहां से खून गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब खून गिरना स्टार्ट होता है सब लोग सोचते हैं इसके माथे से कैसा खून गिर रहा है, ये तो चुपचाप बाइक चला रहा है। तभी अचानक से जो सिर ऐसे रखा था ना वो ऐसे उठाता है, जब ऐसा सिर उठाता रहा उस टाइम तक जो मेला का मालिक था, जो मौत के कुएं का, वो वहीं पे खड़ा था। उस आदमी की शक्ल देख के वो मालिक चीख पड़ता है, बोलता है विक्रम तुम? तो जो बाइक पे जो आदमी था वो बोलता है हाँ मैं, गांव वालों को तुम बताओगे या मैं बताऊं? विक्रम ऐसा बोलता है जो मौत के कुएं के मालिक को, वो बोलता है मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या पता है। वो घबराने लगता है मौत के कुएं का मालिक, तो विक्रम बोलता है कि ठीक है तुम नहीं बता रहे तो मैं बताता हूँ। विक्रम जो बताता है ना उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है, पूरा खून निकल रहा है उसके माथे से। बताता है कि आज से ठीक 1 साल पहले इसके बाजू वाले गांव में ऐसे ही मौत का कुएं का मेला लगा हुआ था, और मैं ऐसे ही बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते अचानक से मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी मौत हो जाती है। मेरी मौत के बाद मेरी छोटी सी बच्ची और मेरी पत्नी दोनों बहुत परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि उस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। उसके बाद एक दिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी इस जो मालिक है ये, इसके पास जाते हैं उससे पैसे मांगने के लिए कि थोड़े पैसे दे दो, भूख लगी है, खाने को नहीं है, तो वो आदमी इनको पैसे नहीं देता है, और वो लोग बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उनको कोई भी काम नहीं देता है। उसकी वजह से भूख से मेरी पत्नी
और मेरी बच्ची दोनों तड़प तड़प के मर जाते हैं। और उसके बाद से मैं कब से चाह रहा था कि मैं इस आदमी से मैं बदला लूंगा। इस आदमी के अंदर दिल नहीं पत्थर है। ये अगर दो वक्त की रोटी मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को दे दिया होता या थोड़े पैसे दे दिया होता तो गरीब हो जाता क्या? कितना अमीर आदमी है ये। तब से मैं बदला लेना चाह रहा था। गांव वाले लोग जब सुनते हैं ये बात तो गांव वाले लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि गांव वाले लोगों को भी पिछली रात में ऐसी आवाज आई थी किसी के रोने चीखने चिल्लाने की और मोटरसाइकिल की आवाज आई थी। लोगों को लगता है कि हाँ हो ना हो ये इन्हीं की आत्मा थी जो हमको कल रात से बताने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले लोग घेरने लगते हैं कुएं के मालिक को मारने के लिए। तभी अचानक से वो माफी मांग लगता है, पैर पड़ लगता है, बोलता है विक्रम विक्रम मुझे बचा लो। लेकिन विक्रम की आत्मा और उसकी वाइफ पत्नी की आत्मा कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप उधर ही खड़ी रहती है। तभी गांव वाले मारने जाते, बोलते हैं माफी मांगो, तुमने तुमको मार डालेंगे, तुम किसी की फैमिली कैसे बर्बाद, किसी का परिवार कैसे बर्बाद कर सकते हो। तो जो मालिक था वो उससे गांव वाले जो सरपंच थे गांव के वो वादा करवाते और बोलते हैं कि आज के बाद कुएं में ये जो मौत के कुएं में कोई भी इंसान काम करता रहेगा, कोई भी मोटरसाइकिल चलाएगा कार चलाएगा और उसके बाद उसकी मौत होती है तो उसकी पत्नी का उसकी फैमिली का पूरा खर्चा तुम उठाओगे। अगर तुम ये वादा करते हो तो आज हम गांव वाले तुमको छोड़ देंगे वरना तुमको मार डालेंगे। तो जो मालिक था वो बोलता है हाँ हाँ मैं करूंगा, मैं सब करूंगा, पैर हाथ जोड़ता है। उसके बाद जो आत्मा थी वो कहीं पे अदृश्य हो जाती है। उसके बाद से उस गांव में कभी भी मौत का कुआं नहीं लगा। गांव वाले लोग इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने मौत का कुआं कभी नहीं लगाया और उस गांव में 2 साल तक तो मेला भी नहीं लगा था। और अभी भी लोग उस गांव में मौत का कुआं नहीं लगने देते हैं और बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ था उस दिन। उन्होंने पूरे गांव वालों ने वो 3 आत्माओं को देखा था। सोचो उनके ऊपर क्या बीती हुई। कोई भी एक इंसान कोई आत्मा को देख ले तो वो ऊपर से नीचे तक कांप जाता है, लेकिन वहां पे तो पूरा का पूरा गांव देखा था। बहुत ही ज्यादा मतलब बोला तो इमोशनल स्टोरी थी और देखा जाए तो एक भूतिया भी थी साथ ही साथ। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो चलो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।